एलएसी से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल एक बार फिर से चीनी सेना ने एलएसी पर उपस्थिति बढ़ा दी है। इसके पीछे की वजह भी सामने आई है। दरअसल पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में निपुण होने के कारण चीनी सेना अलग अलग स्थानों पर बहुत जल्दी पहुंचने में सफल हो जाती है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि बीआरओ भी तकनीक का बेहतर उपयोग कर अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दे। लेकिन भारत तो भारत है, भारत ने भी तय कर लिया है कि जल्द से जल्द वो भी ऐसे रास्ते बनाएंगी जिससे भारतीय सेना भी पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचने में काफी कम समय लगाएगी। बीआरओ के 63वें स्थापना दिवस के मौके पर बीआरओ कर्मियों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि बीआरओ को समानांतर तरीके से काम करना जारी रखना चाहिए और टेक्नोलॉजी के पूर्ण उपयोग के साथ अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और साथियों, नॉर्दर्न सेक्टर में पिछले कुछ समय में बढ़ी चाइनीज प्रेजेंस से हम सभी अवगत हैं। माउंटेनस एरियाज में कंस्ट्रक्शन की अपनी दक्षता के कारण वे बड़ी शीघ्रता से मनचाही जगहों पर अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं। बीआरओ को भी मैं समझता हूं उनके पैरेलल ही टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग के साथ और तेज गति से अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। और मैं कह सकता हूं बीआरओ इस काम को बखूबी कर रहा है। सरकार अपनी ओर से इस दिशा में पूरा प्रयास कर रही है। हाल ही में बीआरओ के कैपिटल बजट में 40% की बढ़ोतरी की घोषणा के साथ सरकार ने देश की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। साथियों, सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास, वहां के आर्थिक विकास के साथ साथ हमारी कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस स्ट्रेटजी का एक मेजर पार्ट है। देश की सुरक्षा के लिए केवल नए और बड़े बड़े साजो सामान और हथियार ही पर्याप्त नहीं होते। जहां उनकी जरूरत है सेना को वह सब सरकार उपलब्ध करा ही रही है, पर उससे कहीं आगे बढ़ते हुए जन भागीदारी भी हमारी ओवरऑल डिफेंस स्ट्रेटजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीमाई क्षेत्रों की जनता जितनी संपन्न होगी उन क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर वह उतनी जागरूक और साथ ही साथ सजग भी होगी, ऐसा मेरा नाम मानना। और देश के नागरिकों से बड़ी ताकत इस दुनिया में और कोई नहीं है, यह भी मेरा स्पष्ट मानना है। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है देश दुनिया के बाकी हिस्सों में विकास बढ़ता जा रहा है, हम अपने सीमाई क्षेत्रों के विकास में भी तेजी से आगे बढ़ने के लिए कमिटेड हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसमें निश्चित ही बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। और साथियों, जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात लगे हुए हैं, जो इस देश की सीमा के संतरी हैं, उनको अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बता दें कि इस दौरान वहां रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, सीमा सड़क के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और बीआरओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में कई बार बीआरओ कर्मियों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।